प्ले स्टोर मतलब वहाँ से कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इसी प्ले स्टोर को हम कुछ अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज वही सारे ट्रिक्स देखते हैं जहाँ से सिर्फ प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड नहीं होगा, कुछ अलग काम भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अभी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की प्ले स्टोर। प्ले स्टोर सबके मोबाइल में है। इसी प्ले स्टोर देखिए ये सारे एप्लीकेशंस दिख रहा है आपको। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अपने पसंद का एप्लीकेशंस लेते हैं या सर्च ऑप्शन से कोई स्पेशल ऐप्स को सर्च करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन और भी कुछ काम है। ये जो बाएं तरफ आपको थ्री डॉट्स दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं लाल एक डॉट दे के रखी हूँ, यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, ऐप्स, सब्सक्रिप्शंस, विश लिस्ट, अकाउंट, ठीक है, ये सारे मैं दिखाऊंगी क्या क्या काम के हैं। अभी मैं सेटिंग में पहुँचती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग को क्लिक की मतलब टच की, तो यहाँ पे सेटिंग में पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ पे सेटिंग में पहुँचने के बाद हम लोगों को ये सारे बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसी ऑप्शंस में एक ऑप्शंस है जो कि ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस के है, तो अभी इसे ही हम लोग देखेंगे। देख लीजिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप साइमल्टेनियसली से काम पे लगा सके। ये देखिए ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, यहाँ पे एनी नेटवर्क कर सकते हैं, वाईफाई कर सकते हैं, आक्स मी एवरी टाइम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आक्स मी एवरी टाइम करके रखी हूँ। बहुत लोगों ने ऐसे करके रखते हैं, ये कोई स्पेशल नहीं। आप कहेंगे कि ये कोई स्पेशल तो है नहीं, इसमें कौन से नेटवर्क से होगा ये सब टाइम पूछेंगे, उसी हिसाब से डाउनलोड होगा। कोई बात नहीं, ये एप्लीकेशन इतना भी ये नहीं है। लेकिन अब देखिए ये ऑटो अपडेट, ये ऑटो अपडेट ऐप्स जनरली हमारे ऑटो अपडेट रह जाते हैं एनी नेटवर्क या वाईफाई में, तो ये अचानक से अपडेट होते रहते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभार हमारे फ़ोन हैंग भी कर जाते हैं, तो इसलिए डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स को हम लोगों को चूज़ करके रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अपडेट करने के पहले हम लोगों को प्रेफरेंस देखना चाहिए, जिसके रिलेटेड वीडियोस कैसे हम लोग अपडेट किसका करें और ना करें, इसका वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक्स आपको आई बटन्स में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। तो ये हो गया। अब नेक्स्टली हम आते हैं थीम पे। थीम देखिए लाइट वाले दे दिए तो हमारे जनरली है लाइट वाले, फिर डार्क दे तो पूरा काला हो जाएगा, और सेट ये देखिए काला हो गया, ब्लैक दी थी मैंने या डार्क, किसी किसी मोबाइल में ब्लैक भी दिया रहता है। नेक्स्ट वन सेट बाय बैटरी सेवर, ये आपको चूज़ करके रखना ज़रूरी होता है। इसमें आपका बैटरी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों का बैटरी लेके आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादातर में ही प्रॉब्लम हो जाता है कुछ दिन पुराने होने से ही, तो उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं ये वाले ऑप्शंस को करके, क्योंकि जो भी हमारे ऐप्स रहते हैं ना उनको ये बैटरी सेवर मोड में पहुँचा देते हैं। क्योंकि हमने सारे ऐप्स ही तो अपडेट या इंस्टॉल करते हैं यही गूगल पे या हमारे प्ले स्टोर से, तो इस हिसाब से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन ये है क्लीन लोकल सर्च हिस्ट्री। मैं यहाँ पे हमारा क्लीन है ही, अगर आपके नहीं है तो क्लीन ज़रूर करके रखिए, इसमें आपका स्टोरेज एरिया में कुछ डिफरेंस आप महसूस करेंगे। तो ये हो गया हमारे कुछ सेटिंग्स। और भी कुछ सेटिंग्स है वो हम देखते हैं। ये अब आ गया हमारे पेरेंटल कंट्रोल को कभी आपके घर पे कोई भी आपके फ़ोन ले, कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल करे, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स हो या कोई आफ्टर 18 या ऐप्स हो,
कोई भी अनवांटेड ऐप्स को वो लोग नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको एक पिन देना है। ये देखिए मैं यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिए। मैं जस्ट ऐसे कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ऐसा मेरा भी पिन नहीं है, ऐसे मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए। पेरेंट केयर लॉक करने कंट्रोल करके रखने के लिए आपके अगर बच्चे हैं या घर पे कोई भी मोबाइल में दे, वहाँ से वो कुछ इंस्टॉल करे, कोई गेम इंस्टॉल कर ले या कोई बड़ों का साइट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सारे काम वो लोग नहीं कर पाएंगे, ये सारे पाबंदी हो जाएंगे। इसे क्या है, आपको ऑन करके वापस चले आना है, जस्ट इसको ऑन कर देना है। ये सारे ऐप्स में या आपकी कोई गेम में, सब में एप्लीकेबल हो जाता है। ये देखिए ऐसे ऑफ रहता है, इसको मैं ऑफ ऑन दोनों ही करके दिखा दे रही हूँ। पिन देना पड़ता है, अपने हिसाब से आप पिन चूज़ कर लीजिए। मैं पहले से चूज़ करके रखी हूँ तो उस हिसाब से मुझे चूज़ करना पड़ रहा है। आप पहले बार करेंगे तो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, उसको मैं कन्फर्म करना पड़ेगा आपको। फिर से वही मैं यहाँ पर दे रही हूँ 1 2 3 4। तो ये पेरेंटियल कंट्रोल एक एसेंशियल है, बहुत लोग इसे नहीं करते हैं। बाकी जो मैं पहले दिखा रही थी वो तो कोई भी कर सकता है, तो मैं बता रही थी ना कि बिना स्किप कीजिए। देखिए आखिर तक आप देखेंगे तो आखिर में आपको फ़ायदा ही होगा। ये देखिए ये हो गया। अब आप कोई भी ऐप्स उल्टा सीधा डाउनलोड करने की कोशिश करके देखिए, नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेरेंटियल कंट्रोल ज़रूर करके रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट काम में। फिर से वही 3 डॉट्स में गई, वहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ स्क्रॉल करते हुए। सेटिंग ऑप्शंस तो आपको देख लिए, तो आपको दिखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेटिंग ऑप्शन में मैं फिर से पहुँच गई हूँ। मैं बैक इसलिए आई थी कि आपको दिखा दूँ, कोई भी ऐप सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं जल्दी से दिखाई, तो इसलिए जस्ट दिखा दिया आपको कि इस तरीके से बैक करके आप आ सकते हैं। अब देखिए मैं एकदम नीचे चले जा रही हूँ। ये देखिए प्ले स्टोर वर्जन है, उसके नीचे में रखा है प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। यहाँ पे अगर आपको डिवाइस कन्फर्म दिखा है या सर्टिफाइड दिखा है, मतलब आपके डिवाइस ओरिजिनल है। कहीं पे आप लोग डुप्लीकेट मोबाइल तो नहीं खरीदे, या ये डाउट्स रहता है ना, ये इतने ऑफर में दे रहा है तो इसमें सही दे रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं, ऐसे सवाल हमारे दिल में आते हैं ना, तो इस सवालों के जवाब हमें यहाँ से मिल सकता है, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप जान लिए। नेक्स्ट है प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन, ये आपको सेटिंग के ऊपर में ही मिलेंगे। प्ले प्रोटेक्ट, प्ले प्रोटेक्ट देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लुक्स गुड्स। लुक्स गुड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ भी उल्टा सीधा ऐप्स नहीं है, थर्ड पार्टी हैकिंग ऐप्स कुछ भी नहीं है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे कुछ ऐप्स है तो यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्रेश वाला बटन है ना दाया तरफ में, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिफ्रेश ऑप्शंस में आपके सारे रिसेंट यूज्ड ऐप या डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्ले प्रोटेक्ट भी एक बहुत ही एसेंशियल ऐप्स है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके मोबाइल में अगर कोई भी ऐप्स को लेके आप डाउटफुल रहते हैं, हम लोग इंस्टॉल करने के पहले डाउटफुल रहते हैं ना, भाई ये है हमारे और कुछ को बिगड़ तो नहीं देंगे। कुछ दिन पहले ही हम लोग अभी लॉकडाउन पीरियड में जूम ऐप को कर रहे हैं, तो जूम ऐप को करते ही हम लोग को मिल रहा था कि अरे ये तो सिक्योर नहीं है, तो क्या करें। ये सारे चीज़ें आप सिक्योर कौन सा है, सिक्योर नहीं है कौन सा, वो आप इस प्ले प्रोटेक्ट से देख सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। आप ये सारे चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने प्ले स्टोर से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये सारे चीज़ें तो हम नहीं जानते थे। तो ये सारे चीज़ें आपको मैं शेयर कर रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे एक लाइक मिलना चाहिए ना। और ऐसे वीडियोस आप मेरे चैनल में ज़रूर मिलेंगे, और इसके साथ मिलेंगे एडुकेशनल मैन कुछ वीडियोस, मोटिवेशनल एंड भूतों की वीडियो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलना है एक ही चैनल से, तो क्या करना है, जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी वीडियोस बनाई मैं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो जल्दी कीजिए,
और हाँ, नए वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। उसके पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, ऐसे कैसे वीडियोस आपको चाहिए और भी कुछ ट्रिक्स आप चाहते हैं मोबाइल में या नहीं, ये सारे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो के साथ।